अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बना रहा था सिंधी बिरयानी। यहाँ पे मैंने ये ऑलिव ऑयल डाला है तकरीबन 1 कप के करीब। इसके बाद ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इसको इसे कट कर लिए। अब मैंने मोटी मोटी काटनी है, मुझे पतली ज़्यादा नहीं आती काटने। अब देखते कैसी बनती है, ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं। वैसे अम्मी बनाती हैं, अपने मसालों से ही बनाती हैं। अम्मी बोली थी मैं बना ली थी, मैंने नहीं मैं खुद बनाऊंगा, क्योंकि अभी अम्मी किचन टूर की भी अभी वीडियो बनाई है, तो मैं अभी अम्मी लगी हुई हैं। तो अम्मी अभी सेट वगैरह कर रही हैं ऊपर का किचन वगैरह, तो इसलिए मैंने बोला चलो मैं बना लेता हूँ। सब लोग ऊपर ही हैं, तो अभी मैं भी जाऊंगा। वीडियो आपको जल्द मिलेगी इंशाल्लाह, क्या पता है ये वीडियो डालने से पहले आपको मिल जाएगी या बाद में। अच्छा, तो यहाँ पे प्याज सुनहरी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं डालूँगा ये चिकन। और यहाँ 2 टेबल स्पून तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है मुझे। वैसे तो इसमें लिखा हुआ था अदरक और लहसुन अलग अलग, मगर ये साथ के साथ है तो मैंने साथ ही डाल दिया जिंजर गार्लिक पे। तो इसको तकरीबन अभी 4-5 मिनट भूनने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो पैकेट, अब देखते हैं इस तरीके से बनती है या नहीं। तस्वीर में तो ऐसे बनी हुई है जैसे बहुत अच्छी हो। 5 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे मैं आलू डाल दूँगा। आलू 2-3 है, इसको इस तरीके से स्क्वायर शेप में काट ली। शान बिरयानी, सिंधी बिरयानी, ये डाल दूँगा पैकेट। और ये 1/2 कप है दही, बड़ी गाढ़ी गाढ़ी दही है। और यहाँ पे ये राइस बॉयल करने के लिए रखती हैं, तो इसको मैंने भिगो दिया था पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो दिया था सैला चावल को। तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और पानी और नमक डाल के इसको बॉयल करने की रख दिया। 1 घंटे रह जाएगी तो मैं निकाल लूँगा इसे। तो अभी यहाँ पर ये दही आलू और मसाला डाल के मैं इसको अभी 3-4 मिनट भूनने के बाद फिर आगे दिखाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे 3-4 मिनट तेज़ आँच से पकाने के बाद यहाँ पे मैं तकरीबन 2 कप के करीब पानी शामिल करूँगा। तो ये दही वाली प्याली में मैंने पानी डाल दिया था और इसको ढक के पकाऊंगा गोश्त और आलू गल जाने तक। तो अभी ये ढक के मैंने इसको पकाया है, तो ये गोश्त और आलू गल जाए उसके बाद में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे राइस भी बॉईल हो चुके हैं, 1 कनी रह गई है, अब इसे निकाल लेंगे और छान लेंगे इसे, जब तक ये गोश्त और आलू गल रहे हैं। और यहाँ पे ये चावल भी बॉयल हो चुके हैं और थोड़ी देर में बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आलू और चिकन अच्छी तरीके से गल गए, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया इसको। तो अच्छा, यहाँ पे अब ये मैंने लिए 2 टमाटर, इसको गोल में काट लिए हैं और 10 ग्रीन चिल्ली हैं, तो इसको मैं ऊपर से बिछा दूँगा इसके ऊपर। मिक्स नहीं करना, बस इसके ऊपर बिछा के और 2-3 मिनट इसको ऐसे ही पकाना है बिना मिक्स किए। हरी मिर्च भी डाल देंगे। और यहाँ पे ये हरा धनिया और पुदीना है, ये भी इसी के ऊपर डाल देंगे। और इसको ऐसे ही ढक के पकाएंगे, इसको मिक्स नहीं करना। और इसको ढक के हल्की आंच पे 5 मिनट तक ऐसे ही पकाना है बिना मिक्स किए। चेक करते हैं। अच्छा, ये अभी पानी खुश्क हो जाएगा इसके अंदर, फिर इसमें चावल ऐड करूँगा मैं। अब ये तकरीबन इसका पानी खुश्क होने वाला है, फिर तो इसमें चावल ऐड करने हैं। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है और बच्चे भी शोर मचा रहे हैं भूख के मारे।
तो इसका पानी ऑलरेडी खुश हो चुका है अब। तो यहाँ पे ये हो चुका है इसका पानी खुश, और यहाँ पे चावल डाल देते हैं। ये है जर्दे का रंग। अब इसको दम पे रखना है 10 मिनट, उसके बाद दिखाते हैं बिरयानी कैसी रेडी हुई। तो यहाँ पे दम पे रख दिया तवा लगा के, 10 मिनट बाद दिखाऊंगा। 10 मिनट हो चुके हैं और बिरयानी में भी दम निकल चुका है, दम हो चुका है। तो अभी मैं इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं। यहाँ पे बिरयानी तो तैयार हो चुकी है और इसके साथ रायता भी बना लिया। तो चेक करते हैं कैसी बनी, बताओ जाएंगे खा के बताओ कैसी बनी है बिरयानी। रायता तो डालो, कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है। चलो मैं भी खाऊंगा खाना, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।